स्वागत है दोस्तों आपका ज्योग्राफी विद वसीम अहमद चैनल में। आज मैं आपके सामने थोट का यूनानी भूगोल वेत्ता का जो चैप्टर चल रहा है उसके अगला वीडियो लेकर आया हूँ। और आज हम पढ़ते हैं हिप्पोकर्स के बारे में, जो इरेटोस्थनीज के बाद आया। हिप्पोकर्स का जो समय था वो 190 से 125 ईसा पूर्व का था। हिप्पोकर्स जो था इरेटोस्थनीज की मृत्यु के बाद सिकंदरिया के पुस्तकालय का अध्यक्ष बना। ये आपको महत्वपूर्ण रूप से याद रखना, हिप्पोकर इरेटोस्थनीज की मृत्यु के बाद सिकंदरिया के पुस्तकालय का अध्यक्ष बना, जो पहले इरेटोस्थनीज था। वह प्रसिद्ध खगोल शास्त्री था हिप्पोकर्स। उसने पृथ्वी पर अक्षांश देशांतर निर्धारित करने के लिए एस्ट्रोबेल नामक यंत्र का आविष्कार किया। याद रखना आपको एस्ट्रोबेल नामक। स्टोरियोग्राफिक तथा लंबकोणीय प्रक्षेपों का आविष्कार किया, प्रक्षेपों का आविष्कार किया, ये आपको याद रखना। हिप्पोकर्स ने यूनान के एथेंस नगर की स्थिति 47 उत्तरी अक्षांश निर्धारित की थी, जो वास्तविकता से एक कम है। एथेंस की जो वास्तविक अक्षांश है वो 38 डिग्री उत्तरी है। उसने भूमध्य रेखा की दीर्घवृत्त ग्रेट सर्किल बताया। उसने भूमध्य रेखा को दीर्घवृत्त या ग्रेट सर्किल बताया था। उसका महत्वपूर्ण योगदान जलवायु प्रदेशों के निर्धारण में भी था। उसने कहा कि पृथ्वी पर केवल 11 प्रदेशों में ही मानव का निवास है, शेष भाग मानव रहित हैं। 11 प्रदेशों में महत्वपूर्ण है ये। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। हिप्पोकर्स ने विषुवा पूर्वगमिता की खोज की थी, इक्वन एक्सिस की खोज किसने की थी, हिप्पोकर्स ने। वर्ष की अवधि को 6.5 मिनट तक के दीर्घवृत्त की गणना की थी उसने। उसने उस समय के ज्ञात तारों की सर्वप्रथम सूची तैयार की थी, उस समय की थी, और त्रिकोणमिति का प्रारंभिक सूचीकरण भी किया था। यह सूची 850 तारों की थी। हिप्पोकर्स ने अक्षांशों के आधार पर वृत्तों को 360 डिग्री अंशों में विभाजित किया। उसने अक्षांश देशांतर निश्चित करने वाले उपकरण अस्तरलाब का आविष्कार किया था। इसकी सहायता से खुले सागरों में ध्रुव तारे के कोण को नापकर अक्षांश ज्ञात करना संभव हो सका अस्तरलाब के द्वारा। त्रिविमीय मंडलाकार आकृति की द्विविमीय मंडलाकार आकृति में परिवर्तन किए जाने का श्रेय भी हिप्पोकर्स को जाता है। उसके द्वारा समरूपीय गोलीय और लंबरेखीय लंबकोण दो महत्वपूर्ण प्रक्षेप अभिकल्प करने का श्रेय है। ये वाले जितने भी प्रक्षेप हैं, इसमें पृथ्वी का एक ही गोलार्ध दिखाया जा सकता है। ये जो प्रक्षेप उसने बताया उससे एक ही गोलार्ध ही दिखाया जा सकता। यूनानी भूगोल वेत्ताओं में अब अगला पढ़ते हैं हम हिप्पोकर्स के बारे में। इतना ही एग्जाम में आ जाता है, इसमें से ही आपका एक आध प्रश्न जरूर आ जाएगा। अब पढ़ते हैं पॉलीबियस, जो हिप्पोकर्स के बाद आया। यूनानी भूगोल वेत्ताओं में पॉलीबियस का समय 310 से 128 ईसा पूर्व का है। उसने नदियों की घाटी अपरदन बाढ़ों निक्षेपण के द्वारा निर्मित डेल्टाओं का वर्णन किए थे पॉलीबियस ने स्पेन की तीन नदियों बीएटिस अनास और टेगस के वर्णन किए थे। टेगस की लंबाई 800 स्टेडिया है। उसने इटली में फैले आल्पस पर्वत के में चार दर्रे बताए।
लिगुरियन, तोरिनी, सालिसियन, रायरोल, लितो सारा। ये दर्रे इटली को फ्रांस से जोड़ते हैं, जो ये दर्रे उन ऊपर बताए। अब पढ़ते हैं हम पोसोडोनियस के बारे में। अभी तक पोलिबियस के बारे में, अब पोसोडोनियस, पोलिबियस, पोसोडोनियस जो अंतिम यूनानी भूगोलवेत्ता समझा जाता, का समय 135 से 50 ईसा पूर्व का है। वह सीरिया के अपमिया नगर में पैदा हुआ। उसने स्पेन की गेडीज नदी के मुहाने पर ज्वारभाटा के वैज्ञानिक अन्वेषण किए, मतलब खोज की। उसने सार्डिनिया द्वीप से दूर समुद्र की गहराई नापी थी। उसने ओशन नामक पुस्तक लिखी है, याद रखना ओशन। उसने लिखा कि चंद्रमा की कलाओं और में गहरा संबंध है। उसने लिखा कि चंद्रमा की कलाओं और में गहरा संबंध है। और पढ़ते थोड़ा सा और पोसिडोनियस के बारे में पढ़े। उसने, मतलब पोसिडोनियस ने, एक डिग्री को 500 स्टेडिया माना था। इरेटो स्थानी ने इसे एक डिग्री बराबर 500 स्टेडिया बताया था। पोसिडोनियस प्रथम भौतिक भूगोलवेत्ता था पोसिडोनियस, और अंतिम यूनानी भूगोलवेत्ता भी पोसिडोनियस था। तो आप अब तक पूरे यूनानी भूगोलवेत्ताओं के बारे में अध्ययन कर चुके। होमर, थेल्स, अनिक्जिमेंडर, हिकेटियस, हेरिडोटस, प्लेटो, अरस्तु, सिकंदर, इरेटोस्थनीस, पोसिडोनियस, पोलिबियस, पाइथागोरस वगैरह के इस बारे में आप पढ़ चुके हैं। और मिलते हैं अब इसके बाद हम रोमन भूगोलवेत्ताओं के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। यूनानी भूगोलवेत्ताओं के बारे में आपने, आशा करता हूँ कि नोट्स बना लिए होंगे जिस तरीके से मैं अपने इन नोट्सों से पढ़ा रहा हूँ। और आगे आप रोमन भूगोलवेत्ताओं के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। और आप जो है इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें और बेल भी बजा दें, जिससे कि अगला वीडियो आपको मिलता रहे। थॉट का मैं पूरा सिलेबस आपका कवर करूँगा आराम से। आप जो है चिंता ना करें। थॉट से आपका कोई प्रश्न, अगर जो इन जो नोट्स से मैं पढ़ा रहा हूँ उससे आप कर लेते हैं, तो आप कभी भी कोई भी प्रश्न गलत नहीं कर पाएंगे। इसके बाद हम पढ़ते रोमन भूगोलवेत्ता। मिलते फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।